So hi guys, these are my star students of pre-COVID times. So please give your introduction starting from you. Hi, my name is Srishti Gupta and I am currently studying in Kiloriman College. अमिताभ बच्चन यहाँ से पढ़े थे. आपका? Hi, I am Akshita and I am studying from IPCW, that is Indraprastha College for Women in Civil Lines. That is very good. Can you please tell us about your best four percentages? Best four में कितने कितने percentage थे? I scored best four percentage in accountancy, economics, maths and business studies. And what was your percentage? 97% in best four? Yes. I scored best four in English, maths, chemistry and computer science and I got 95.25%. Srishti was a commerce student. Yes. And she is a science student. So that's the difference. कितने टाइम की मेहनत थी वो 95% प्लस लाना? कितने टाइम की मेहनत थी? मैक्स टू मैक्स 2-3 months, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, लाइक यू हैव टू अटेंड ऑल द ट्यूशंस एंड लाइक डू होमवर्क व्हाटएवर सर और मैम इज आस्किंग यू टू डू. कितने साल की मेहनत? अक्षता क्या कहेगी? मैं ये कहूंगी कि अगर तुम खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो क्लास में एटलीस्ट ध्यान दो, प्लस होमवर्क मिल रहा है तो उसको तो कर ही लो. मतलब खुद सेल्फ स्टडी नहीं हो रही तब भी होमवर्क कर लो, क्योंकि टीचर जो दे रहा है वो ऑब्वियसली वो होमवर्क ही है, वो सेल्फ स्टडी ही है एक तरह से. बीइंग अ गर्ल, दोनों लड़कियों के पास स्कूटी थी जितना मैं जानता हूँ, बट इवन आफ्टर हैविंग स्कूटी व्हाट वर द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय यू सृष्टि, इफ एनी? Struggles faced as there were none, I guess, but the only struggle was like time management, because in morning I have to go to school, then tuitions in evening. I just have to figure out my study time, like self study time, which I used to do at night, as if there were no struggles. अक्षता, मेरे स्ट्रगल्स बहुत थी, लाइक सुबह स्कूल तो शाम को अगर 5 बजे क्लास है तो 4 बजे से रेडी वगैरह होना, क्योंकि होमवर्क नहीं करा तो होमवर्क भी 4 बजे ही करना स्टार्ट करना है, तो वो 5 बजे से क्लासेस, कई बार घर जाते जाते 9 बज जाते थे, 8 तो बजते ही रोज ही थे, तो 9 बजते हुए भी बहुत ज्यादा ऐसे बहुत टायर्ड हो जाते थे, बट वही है बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है सब चीजों के लिए. इतनी सारी क्लासेस ज्वाइन कर ली, पहले केमिस्ट्री फिजिक्स फिर मैथ्स भी, तो वो ऑल्टरनेटिव चल रहा है, बट फिर भी शेड्यूल रोज का ही है, तो रेस्ट कुछ नहीं है उसमें. अब मार्क्स आ गए हैं, सो हाउ डज इट फील्स के ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब जहां पर इस समय हो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, अभी तो बहुत लंबा सफर करना है, बट मार्क्स लेने के बाद अपने मनपसंद कॉलेजेस में जाने के बाद, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम इन किलोरीमल कॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस. इट वॉज माई ड्रीम टू बी इन नॉर्थ कैंपस. आई सर यूज टू टेल अस इन द क्लास कि तुम एक बार जाके देखो नॉर्थ कैंपस की लाइफ, मजा आ जाएगा. तो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ऑनलाइन, अभी आ जाएगा ऑफलाइन भी. आई एम वेरी हैप्पी. मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब उस टाइम जो टेंशन ली थी वो ऐसा लगता था कि मतलब मार्क्स आ जाए, बट अब लगता है कि क्या कितनी टेंशन, बेफालतू टेंशन ली थी. मार्क्स आते तो आ ही जाते हो तब भी, बट जब अब पहुंच के हाँ लगता है कि हाँ कुछ मेहनत करी थी जो यहाँ पहुंच गए. इतने सारे टैलेंटेड बच्चों को देखा, पर ना खुद के 10 बच्चों के बीच में खुद को टैलेंटेड समझना बहुत बेफालतू की बात थी. हुआ कि मेंढक बनना तो हाँ वही है कि इतना छोटा सा सर्कल में आप खुद इंटेलिजेंट नहीं दिख सकते, वहां पे असली आपका वो दिखता है किस लेवल पे आप हो अभी. पेरेंट्स की सपोर्ट एंड गाइडेंस? पेरेंट्स की सपोर्ट एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और थैंक गॉड मेरे साथ पूरे टाइम थी. लाइक माय मॉम यूज्ड टू कुक, लाइक व्हेन आई गो टू ट्यूशन, लाइक लॉन्ग ट्यूशन, माय मॉम यूज्ड टू गिव मी परांठास इवन फॉर ट्यूशन एंड फॉर स्कूल एज वेल. तो उनका तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था मुझे, लेट नाइट तक, मतलब मैं जब जगती थी तब खाने को देना, अर्ली मॉर्निंग फिर उठाना भी उन्होंने ही होता था, तो पूरे टाइम उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट. अक्सर सारे मतलब सिमिलर था. कुछ कुछ कह सकते हैं सेम था, जैसे मतलब कांस्टेंट सपोर्ट मम्मी पापा का बहुत ज्यादा था, प्लस बेसिकली उनका ट्रस्ट था मुझ पे कि स्कूटी दे दी, उसके बाद बेटी उनकी 9 बजे घर आ रही, वो भी बड़ी बेटी, नहीं तो है नहीं कोई बड़ा भाई है तो वो ध्यान रख सकता है, तो मैं 9 बजे घर आ रही तो ट्रस्ट पूरा था. कई बार मैथ्स की ट्यूशन 11-11 बजे तक हुई, तो पापा भी 11 बजे लेने आते थे कभी कभार बाहर, तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करा, प्लस मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा था पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से भी, कि मतलब कॉन्स्टेंटली बताना कि तुझे वहां पहुंचना है, तुझे उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा पूरा. प्लस सुबह मैं बहुत ज्यादा नागिंग करती थी कि नहीं उठना मुझे, नहीं उठना, बट वही पापा कॉन्स्टेंट उठाना, तो बहुत मैटर करा, पेरेंट्स का सपोर्ट था. हाँ. टिप्स टू डू वेल इन बोर्ड्स, बोर्ड्स में अच्छा करने के लिए क्या करें? स्टडी कंसिस्टेंटली, लाइक फ्रॉम द डे 1 तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, ट्यूशन में पूरा ध्यान देना है, जो सर सिखा रहे, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना कि ये अभी बाद में सीख लेंगे या ये चैप्टर छोड़ देते हैं,
ऐसा कुछ नहीं करना, टाइम से पढ़ना है और होमवर्क्स और टेस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वो तुम लेते ही नहीं। आप बताइए। मेरे लिए मैं ये बोलूंगी कि टेस्ट, जैसे इसने बोला टेस्ट पर ध्यान तो देना ही है, प्लस जो चीजें लगता है शुरुआत से कि ये तो होएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए तो हो रहा है, तो पहले उसको कर लो, क्योंकि जो बाकी जो है उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो वो बाद में भी हो ही जाएगा, लेकिन जिसमें लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होना उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। प्लस अगर मैथ्स के लेवल में जो सर आगे से अगर रिकमेंड करते तो वो तो बिल्कुल छाप ही लो अपने रजिस्टर में, सारी कर लो। एनसीईआरटी कितनी बार करनी चाहिए मैथ्स वाले को? कम से कम 3 बार पूरी। आप क्या बोलेंगी? 3 बार करनी पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चन विद एग्जांपल्स। हाँ, चाहे वो टेस्ट के थ्रू हो रही है पूरी या किसी भी तरह से पूरी हो रही है, ये कंसिस्टेंसी खुद में नहीं आ सकती, इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ सकती कभी भी किसी में भी, कि तुम एक बार लेके बैठे हो तो वो तुम कर लो, कर ही लोगे, चलो मुझे करना है करना है, तुमने किसी ने तुम्हें बोला नहीं है तो तुम खुद नहीं कर सकते। लेकिन अगर सर ने तुम्हें 2-3 बार बोल दिया या स्कूल में मैम ने टेस्ट के लिए बोल दिया तो उसके लिए कर लो, एक चैप्टर मैम बोले तुम 3 चैप्टर करके जाओ, चाहे वो चैप्टर्स नहीं आ रहे हो। ठीक। 11th 12th में एक मोहब्बत का भी जमाना होता है, तो जो आजकल है वो बच्चे जो 11th 12th के हैं, जो उस दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे बहुत कम शब्दों में, ताकि सीधा तुम्हारे दिल से उनके दिल तक ये बात जाए? सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है ये, उस टाइम 11th 12th सीरियस पढ़ाई के टाइम है, पढ़ लो ज्यादा अच्छा है, आगे जाके कुछ नहीं होना उसका। मैं ऐसा कुछ वो नहीं बोलूंगी कि मत करो या जो भी है, बट मेरे अकॉर्डिंगली सिस्टमैटिक रखो, बैलेंस रखो, मेरे को वो वाला नहीं देना जो हर टीचर या हर पेरेंट्स बोलते कि मत ही करो, मत जाओ, ये मत करो, वो एज ऐसी है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, वो सब देखा है अपने आसपास, तो आई फील लाइक मैनेज करो तो वो ज्यादा बेटर है, रादर देन कि तुम भागो या खुद को और परेशान करो, जो भी है मैनेज करो, अगर तुम कर सकते हो कि नहीं करना कंट्रोल कर सकते हो तो करो, वो तो बहुत ही दिमाग में रखेगी कितना पढ़ाई में तुम्हारा फोकस है, वो तो बहुत ही बढ़िया है, तुमने डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा लिया, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो मैनेज करके रखो, किसी भी चीज को ओवरवे मत करो कि तुम्हारे लिए परेशान हो। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, हालांकि इसका मुझे अभी तक बहुत बढ़िया जवाब नहीं मिला अपने इंटरव्यूज में। एनी रिग्रेट फ्रॉम द पास्ट Which you want to remove or काश ये ना करती? Regret तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो मन में आया मैंने स्कूल में सब किया है, like, मैंने 11th 12th में मैं सीरियसली मैंने स्कूल में ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत ज्यादा डांस ड्रामा में थी, तो रिग्रेट तो मेरे को बस ये है कि अगर मैं थोड़ा 12th में और पढ़ लेती, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा 97% है उसके बाद भी बोल रही है, बट मेरा ड्रीम है SRCC तो कोई नहीं, बट वैसे कोई नहीं, बिकॉज मैंने जो दिल में आया मैंने स्कूल में सब किया है, मैंने कुछ ऐसा अपने को रोका नहीं कि नहीं, नो रिग्रेट, यू एंजॉयड योर लाइफ। यस, और मेरे रिग्रेट्स ऐसे एज सच कुछ नहीं है, बट ये है कि जैसे मेरे मार्क्स फिजिक्स में कम रह गए, जो कि मेरे को उसके लिए रिग्रेट होता है कि अगर फिजिक्स में मार्क्स आ जाते तो परसेंटेज 95 से 97% टाइम नहीं लगता, तो जो मार्क्स अभी 90s में है वो फिजिक्स में 80s पे जो पहुंच गए, तो वहां पर रिग्रेट है कि अगर थोड़ी और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हो जाते तो वो हो जाता, कोई नहीं, तो वो बाकी सब सही है। हाँ, चलो जय माता दी, थैंक यू।